हाय फ्रेंड्स, मैं उदय भान मिश्रा। टुडे आई एम डिस्कसिंग फॉर लूप्स। फॉर लूप्स, तो जो फॉर लूप होता है, द फॉर लूप इज अ मोस्ट पॉपुलर। फॉर लूप अधिक पॉपुलर है सी लैंग्वेज में, और यह इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड अमंगस्ट सी लूप्स। सी लूप के अंदर यह इजी लूप है। इट अलाउ टू स्पेशली थ्री थिंग्स अबाउट लूप्स इन अ सिंगल लाइन्स। यह तीन चीज़ों के बारे में एक सिंगल लाइन में सी लैंग्वेज के अंदर बताता है। तो जो सी लैंग्वेज है, फर्स्ट क्या बताता है, फर्स्ट इज सेटिंग अ लूप कंट्रोल टू एन इनिशियलाइज वैल्यू। इनिशियलाइज वैल्यू, सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना होता है, जैसे कि हमें बताना होता है कि कहाँ से लूप स्टार्ट हो। हमें कंडीशन बतानी होती है कि सबसे पहले कंडीशन जो यूजर हमें देगा या कंडीशन देता है, उस कंडीशन को यदि ये फॉलो कहाँ से ये स्टार्ट करे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चीज़ हमें बताना होता है, इसे इनिशियलाइज कहते हैं। हम अभी आगे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और डिस्कशन इसमें हम विस्तार रूप से बताएंगे कि कैसा होता है, और एग्जांपल के माध्यम से सही से आप लोगों को आगे समझ में आएगा इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या है। फिर सेकंड हम कंडीशन बताते हैं कि किस कंडीशन पर यह रन हो। सेकंड हम क्या बताते हैं कि कंडीशन चेक होता है, वो कंडीशन चेक करता है लू फॉर लूप कि कंडीशन ये सही है, कंडीशन दिए गए यूजर्स के तो फिर वह लूप रन होगा, वरना एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यह सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन इज अ चेक्ड एवरी टाइम्स बिफोर द बॉडी ऑफ अ लूप इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है, लूप इज एग्जीक्यूट एल्स कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप्स, वरना कंट्रोल लूप्स बाहर आ जाता है। थर्ड इज वैल्यू ऑफ अ लूप काउंटर्स इज अपडेटेड टू ए न्यू वैल्यू आफ्टर अ ईच लूपिंग अ एग्जीक्यूशन। अब जो थर्ड पॉइंट होता है, ये थर्ड हमें बताना होता है, अपडेटन मतलब अपडेशन, कि कितना अपडेट करना है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाए कि एक एग्जांपल के माध्यम से, कि सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से इनिशियलाइज किया गया 10 पॉइंट बना, हम पॉइंट बना के बता रहे हैं, ये पॉइंट बना के बता रहे हैं हम एक रियल एग्जांपल के माध्यम से। अब ये फर्स्ट यहाँ से हमें कोई बोले कि यहाँ से आपको जंप करना है, तो जंप करना है तो सबसे पहले यहाँ से हमें इनिशियलाइज करेगा, यहाँ से आपको जंप करना है। सेकंड हमको वो कंडीशन बताएगा कि कहाँ तक जंप करना है, तो हमें कंडीशन उन्होंने बताया कि यहाँ तक आपको जंप करना है। उसके बाद में थर्ड बात, जो थर्ड पॉइंट आती है, वो थर्ड पॉइंट में हमें ये बताएगा ना कि आपको जो ये दिए गए हैं पॉइंट, इन पॉइंट पर कितना जंप करना है, ये पॉइंट हमको इस पॉइंट पर जंप करना है, या ये पॉइंट हमें क्रॉस करना है, ये पॉइंट जंप करके हमें इस पॉइंट पर डायरेक्ट आना है, यानी ये पॉइंट हमें स्किप कर देना है, और या ये फिर उन्होंने बताया कि ये पॉइंट हमें स्किप कर देना है। तो जो ये बताता है कि कितना स्किप करना है, या इन्हें हम अपडेशन कहते हैं, मतलब अपडेट करते हैं, ये थर्ड पॉइंट होता है। अब हम एक सिंटेक्स के माध्यम से देखते हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन बताएंगे, उसके बाद में हम सेमी कॉलम का यूज करेंगे, उसके बाद में हम कंडीशन बताएंगे, उसके बाद में फिर अपडेशन बताएंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर से स्टेटमेंट लिखेंगे। यदि ये हमारा कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रन होगा, वरना एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम लास्ट में जहां हमारा फॉर लूप ख़त्म होता है, वहां हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में हम इसके फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हमारा फॉर लूप वर्क करता है। तो हम फॉर लूप को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे हमने एक इनिशियलाइज किया एंट्री टू लूप में, इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद में इनिशियलाइज
या तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कंडीशन, कोई कंडीशन होगी ना, सेकंड हमारा कंडीशन तो है, तो कंडीशन दिया गया। यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा। यदि कंडीशन हमारा फॉल्स है तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर अ लूप्स, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा लास्ट में। और उसके बाद में यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो यह अपडेटिंग होगा। अपडेटिंग मतलब कितना स्किप करना है, कितना छोड़ना है, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर दोबारा आ जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। यदि कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर दोबारा ये रन होगा। इसी तरह हमारा फॉर लूप में ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बताया। आई होप कि आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। फिर हम एक बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं किसके लिए, मैरी गो टू राउंड्स 10 टाइम। कोई लड़की है वो जो मैरी नाम से, वो 10 टाइम्स वो राउंड करती है। ठीक है, जैसा कि हम आपको पिछले माध्यम वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताए भी हैं कि कैसे हम जंप करने को बताए हैं और फिर उसके बाद में राउंड करने के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग प्री प्रोसेसर जो है उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ डायरेक्ट मैन से स्टार्ट करते हैं। तो मैन है जो वाइड मैन का यूज़ करके, फिर हम इंट बताएंगे, इंट आई। हम एक वेरिएबल लेंगे लूप को, कहाँ से इनिशलाइजेशन करना, कंडीशन बताने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे जो यूजर के माध्यम से इनपुट लेंगे, लेने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। फिर हमने लिया एक आई वेरिएबल, लिया इंट नाम से, उसके बाद में फॉर कंडीशन लगाया, इनिशलाइज किया, बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आई इक्वल टू 1, देन हम यूज किए सेमी कॉलम्स, देन हम कंडीशन बताएं कि 10 आई जो दिया हुआ, मतलब आपको राउंड करना है वो 10 करना है या 10 से क्या करना है, कम करना है, 10 या 10 से कम करना है, हमने कंडीशन बताया। उसके बाद में हमने बताया कि हर जितने बार आओ, एक बार यदि राउंड करो, उसके बाद में देखो कि 10 टाइम पूरा हुआ कि नहीं। यदि 10 टाइम पूरा हुआ तो आपको राउंड नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर यह बताने के लिए हमने इंक्रीमेंट का यूज किया कि 1 टाइम आपको हर बार इंक्रीमेंट हो जाना है। उसके बाद में यदि उनका कंडीशन वो राउंड करती है तो प्रिंट लिख वो वहाँ पर रिटर्न होगा, तो प्रिंट अप होगा या रिटर्न देगा, आउटपुट देगा मैरी ऑफ मैरी गो राउंड, मैरी राउंड की। उसके बाद में हम ब्लैक सेस एन का यूज किए हैं न्यू लाइन के लिए कि हर बार यह न्यू लाइन में रन हो। यहाँ पर हमने ये किया। उसके बाद में सेम इसी तरह ना हम अब इसी तरह यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट के माध्यम से किया। अब यहाँ पर हम इसे हम देख लेते हैं डिक्रीमेंट के। तो डिक्रीमेंट यानी आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ से बैक से चालू किया, बैक से स्टार्ट किया यानी 10 से। सबसे पहले हमने इनिशलाइज किया 10, यहाँ पर 10 इनिशलाइज किया और कहाँ तक हमने कंडीशन बताई कि लास्ट 1 तक, कि वन तक जब आप जैसे हमने हमको कोई बोले कि गिनती आप गिनो हो, तो गिनती गिनती के लिए तो हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में वह बोले कि रिवर्स से करूं, तो 10 9 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह करेंगे, तो इसे कहते हैं हम डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन बताया कि 10 से स्टार्ट करो और 1 तक करना है आपको, और उसके बाद में डिक्रीमेंट का कंडीशन लगा दिया जो हमने अपडेशन लगा दिया। उसके बाद में फिर ये 10 टाइम ए भी इनका और यहाँ इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम होगा। ठीक, अब हम अगले वीडियो में हम इसके एक रियल एग्जांपल के माध्यम से हम और बताएंगे आप लोगों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।